गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये अभी सुबह हम वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज है 4 अक्टूबर और अभी चल रहा है नवरात्रि। आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा भी कलश वलश रखा गया है। और नवरात्रि की आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग माता रानी करें कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहे। और मैं भी कामना करता हूँ माता रानी से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मैं भी स्वस्थ रहूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात करूंगा, बाबा का दरबार के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, आप सभी लोग थंबनेल को देख के समझ गए होंगे। और ये जो अभी घटना चल रही है कि बाबा का दरबार खुल रहा है, बंद है, तो इस पर हम पूरा डिटेल आज बताएँगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ लाइक कर दे। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर हैं तो इतना ज़रूर है कि आप इस बंदे को लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो आज मैं बताऊंगा कि अभी कुछ लोगों का न्यूज़ ये आ रहा था कि बाबा का दरबार सिकंदरपुर में 1-2 दिन के लिए ओपन हुआ था, वहाँ बंद हो गया। अभी वहाँ ओपन हुआ था, वहाँ बंद हो गया। बंद हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि बाबा का दरबार सिकंदरपुर में भी ओपन हुआ था, क्योंकि जब लोहरा में बंद हुआ था तो बाबा वहाँ वीडियो के माध्यम से आए और बताए कि हमारा जो दरबार है 1 से 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया है और 1 से 1.5 महीने के बाद ही चालू होगा। उसके बाद बाबा का कोई अपडेट नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, यहाँ तक आप लोगों को भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, यहाँ तक कि जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनको भी किसी को भी बाबा का अपडेट नहीं मिला। तो हम लोग कैसे जाने कि बाबा का दरबार वहाँ सिकंदरपुर में स्टार्ट है? और बाबा का दरबार जब सिकंदरपुर में स्टार्ट ही होता तो बाबा को वहाँ से हटाया नहीं गया होता। जी हाँ, ये सच्चाई है। मैं आज जो भी बात करूँगा सच्चाई पे बात करूँगा, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बात करूँगा। अगर बाबा का दरबार अगर सिकंदरपुर में ही स्टार्ट होना होता, खुलना होता, तो बाबा का दरबार यहाँ से उठ के बनारस नहीं जाता, बनारस से उठ के सोनभद्र नहीं जाता और यहाँ से वहाँ बाबा नहीं जाते। तो ये गलत बात है कि बाबा का दरबार वहाँ पर ओपन हुआ है, ये हमें नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का कहना ये है कि बाबा का दरबार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि बाबा प्रशासन के पास में है, बाबा जेल में है। अब क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता है कि बाबा जेल में है कि बाहर है। अगर बाबा बाहर होते तो वीडियो के माध्यम से आके बताते। हमें भी यही लग रहा है कि बाबा इस समय जेल के अंदर हैं। और किस कारण जेल के अंदर है आप सभी लोग जानते हैं, बताने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। और आप सभी लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर बाबा जेल के बाहर होते तो किसी न किसी चैनल के माध्यम से आके बता देते कि हमारा दरबार यहाँ बन रहा है, इस दिन उद्घाटन होगा और आप लोग आ सकते हैं या नहीं अभी आ सकते। लेकिन जब से बाबा का लोहरा वाला दरबार बंद हुआ है तब से बाबा किसी भी चैनल के माध्यम से लाइव आके नहीं बोले हैं, न वीडियो के माध्यम से बोले हैं कि हमारा दरबार यहाँ बन रहा है। अगर बाबा बाहर होते तो ज़रूर आके कुछ ना कुछ बताते कि हाँ मैं आ गया हूँ और हमारा दरबार यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, तो हम लोग कैसे बिलीव कर लें कि बाबा बाहर हैं कि अंदर हैं? कुछ भी कहा नहीं जा सकता है बाबा कहाँ हैं, क्योंकि जब तक बाबा का कोई सच्चाई सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते हैं। और इसको जानने के लिए एक ही उपाय है कि बाबा को सबके सामने आना होगा और किसी न किसी चैनल के माध्यम से आके बताना होगा बाबा को कि मैं सुरक्षित हूँ, इस जगह पे हूँ और हमारा दरबार इस जगह बन रहा है। जैसे बताए कि लोहरा में हमारा दरबार इतने तारीख को ओपन हो जाएगा, इतने तारीख को स्टार्ट होगा, तो उसी प्रकार आज भी बाबा किसी न किसी YouTube के माध्यम से, किसी न किसी चैनल के माध्यम से आके बता देते कि मेरा दरबार यहाँ पे बन रहा है। तो जितने भी बाबा के भक्तगढ़ हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, कम से कम ये लोग आस जो लगाए हों उनका आस पे बिलीव होता कि हाँ आज न कल बाबा का दरबार खुलेगा। लेकिन ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि बाबा का दरबार हमेशा के लिए बंद हो गया और बाबा का कोई अता पता नहीं है? इतने पर तो बाबा को एक्शन ले लेना चाहिए। बाबा
अगर सच्चे हैं तो बाबा किसी न किसी यूट्यूब के माध्यम से आके बोल देना चाहिए कि मेरा दरबार अभी बंद नहीं हुआ है, मैं दरबार खुलने वाला हूँ, मेरा दरबार ओपन हुआ होने वाला है। लेकिन बाबा का कुछ अता पता ही नहीं है कि बाबा है कहाँ। तो मैं आप सभी लोग से यही कहूँगा, जब भी बाबा का कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, तो मैं आप सभी लोग को सबसे पहले देने का कष्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि बाबा का अभी कोई आता पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जेल में है, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा बाहर है। तो बाबा है कहाँ, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि बाबा है कहाँ। अगर बाबा हैं तो बाबा आए और अपने लोगों को बताएं कि मैं सामने हूँ और मैं इस जगह पे हूँ, सुरक्षित हूँ, सिकंदरपुर में हूँ या भोपाल में हूँ या सोनभद्र में हूँ या बनारस में हूँ या लोहरा में हूँ, कहाँ हैं वो आप लोगों को अपडेट देंगे। या अहरौरा के आसपास में है, जो हम सुनने में आ रहा था कि बाबा का दरबार बन रहा है, वहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं बाबा कोई ना कोई अपडेट दे देते, ताकि हमारे जैसे लोग को भी न्यूज़ मिल जाता और आप जैसे लोग, जितने लोग दर्शक हैं, जितने लोग बाबा का श्रद्धालु हैं, जितने लोग भक्तगण हैं, इन लोगों को भी पता चलता कि बाबा इस जगह पे हैं और बाबा का दरबार बन रहा है। अभी देखिए, आप सभी लोग से एक और हमें इम्पोर्टेंट बात यही करना था कि जब तक बाबा किसी भी चैनल के माध्यम से आके बोल ना दे कि मेरा दरबार बंद हो गया है, तब तक आप लोग बिलीव ना करें। जब बोल देंगे तब समझिएगा बाबा का दरबार बंद हो गया है। और बाबा का, जब तक बाबा आके बोल ना दे कि हमारा दरबार ओपन हो गया, तब तक आप लोग मत समझिए कि बाबा का दरबार ओपन हुआ है। जो भी जानकारी देता हूँ मैं सही देता हूँ, और सही के अलावा और कुछ नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली आ जाऊँ और कुछ ना कुछ बता दूँ कि हमारा व्यूवर्स बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें अपडेट मिलता है तभी हम कुछ बताते हैं। बस यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अभी बाबा का दरबार कहीं नहीं ओपन हुआ है, और बाबा का दरबार कब ओपन होगा किसी को पता नहीं है। तो जब पता लगेगा तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, और इस वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा हो उतना कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग इन हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और मैं भी हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ। तो आप लोग हिंदुस्तान के नाम पर तो कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक तो ठोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।